गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। सो देखिए, एग्रीड अपॉन एंगेजमेंट बेसिकली सीपीए करिकुलम में अटेस्टेशन चैप्टर में कवर होता है। देखिए, बहुत सारे सीपीए स्टूडेंट इस टर्मिनोलॉजी में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ऑडिट से किस तरीके से डिफरेंस है। तो गाइज, आज जिस सीपीए लाइव लेक्चर में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑडिटिंग एक जनरल पर्पस होता है और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। तो अगर पहले हम इसकी एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इन अटेस्टेशन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर परफॉर्म्स स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑन ए सब्जेक्ट मैटर एंड रिपोर्ट्स दी फाइंडिंग विदाउट प्रोवाइडिंग ओपिनियन और कंक्लूजन। सो देखिए, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में जो प्रैक्टिशनर होता है, बेसिकली हम सीपीए पढ़ रहे हैं तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट को जब अपॉइंट किया जाता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट के लिए, तो यहां पर उसको किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना है। उसको कुछ प्रोसीजर के लिए, जो कि उसको अपॉइंटिंग पार्ट क्लाइंट के द्वारा बताई गई कि उसको ये प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। सर कौन कौन सी प्रोसीजर हो सकती है, इसको हम बिल्कुल लेमन टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देख, एक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है और उसको एक एरिया ऑफ वर्क दिया गया है बैंक के द्वारा। बैंक एक क्लाइंट को लोन देना चाह रही है और वो बैंक एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट को अपॉइंट करती है और उसको बोलती है कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के जितने भी एक्सपोर्ट सेल्स हैं उसको प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए और उसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट बना के दीजिए। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स किसके द्वारा दी गई है, बैंक के द्वारा दी गई है उस पर्टिकुलर सीपीए को, उस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल को वेरीफाई करने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना। यहाँ पे प्रोसेस भी किसने बताई गई है, बैंक ने बताई है कि बैंक क्या चाह रही है आपसे कि आप एक्सपोर्ट सेल्स का क्या करें, ऑडिट करें, बिकॉज बैंक एक्सपोर्ट सेल्स के बेसिस पे उस पर्टिकुलर क्लाइंट को लोन सैंक्शन करना चाहती। तो बैंक के द्वारा सीपीए को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। तो वहां पर इन दोनों के बीच में, बैंक और सीपीए के बीच में, एक एंगेजमेंट है जो कि हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक प्रोसीजर। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर में किस किस प्रकार की रिपोर्ट्स दी जाती है उसको भी हम समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए क्लाइंट एक सीपीए को हायर करता है कि यार हमारे एक अकाउंटेंट के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी हुए उसकी अकाउंटिंग सही तरीके से नहीं की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, उसको हम बुक्स में कैपिटलाइज करते हैं और ग्रेजुअली अमोर्टाइज करते हैं। तो एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के ऊपर अग्रीमेंट हुआ है कि आपको केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करना है, उसके ऊपर प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की हमारी कंपनी में, मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट के ऊपर वो चाहती है, रिपोर्ट चाहती है कि हमारे कौन से इन्वेस्टमेंट ने कितना परसेंटेज रिटर्न हमें दिया है। एएमसी कंपनी, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी क्या कर सकती है, सीपीए को हायर कर सकती है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर ऑडिट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ऑडिट में क्या होता है, जब एक ऑडिट में सीपीए को अपॉइंट किया जाता है तो वो क्या करता है, ओपिनियन देता है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड फेयरली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में हम किसी प्रकार का कोई अश्योरेंस नहीं दे रहे, वी आर जस्ट गिविंग द रिपोर्ट्स। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स दी जा सकती है। तो SSAE 19 प्रोवाइड्स कुछ एग्जाम्पल दिए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक के ऊपर आप रिपोर्ट दे सकते हैं, कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म की जा सकती है, क्रेडिटर्स के द्वारा जो क्लेम किए जा रहे हैं, क्रेडिटर्स जो कंपनी के ऊपर जो पेमेंट डिमांड कर रही है उसके ऊपर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म की जा सकती है, और स्पेसिफिक रेगुलेशन का कंपनी के द्वारा कंप्लायंसेस किया है कि नहीं इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोसीजर को परफॉर्म करना। तो स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एक स्पेसिफिक प्रोसीजर, ये जनरल पर्पस के लिए नहीं होती, इसके यूज भी क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो ये ऑडिट से इस तरीके से, ऑडिट एक जनरल पर्पस के लिए किया जाता है और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर,
तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग एंगेजमेंट अटेस्टेशन एंगेजमेंट अप्लाई हो रहा है, और वहां पर क्या एप्लीकेबल होते हैं, गैस जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो गाइस इन दोनों चीजों में ये डिफरेंस। और कई बार सीपीए के स्टूडेंट्स तो जब ऑडिट सेक्शन को आप पढ़ते हैं गाइस, तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे इस चैनल के थ्रू बार बार टाइम टू टाइम छोटे छोटे वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यूएससीपीए से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।